हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कल हमने किया था द टॉपिक ऑफ ग्राफ्टिंग। इन द ग्राफ्टिंग वी हैव रेड अबाउट कि ग्राफ्टिंग में दो पार्ट्स होते हैं, द रूट पार्ट एंड द शूट पार्ट। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग? दीज आर द टंग ग्राफ्टिंग, द वेज ग्राफ्टिंग एंड द क्राउन ग्राफ्टिंग। मतलब कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू द रूट पार्ट हमारे ग्राफ्टिंग करने के तरीके, जो ग्राफ्ट बनाने के तरीके है ना, वो चेंज हो जाते हैं। सी, दिस वन इज अ वेज ग्राफ्टिंग। इसमें हम वेज शेप में स्कायन एंड स्टॉक को काट के देन उनको टाई करके रख देते हैं। दिस इज नोन एज द वेज ग्राफ्टिंग। दिस ब्राउन फर्स्ट डायग्राम, this green one diagram tells us about the tongue grafting. Tongue grafting में क्या होता है? जब stalk का part थोड़ा wide होता है, then the scion, तब scion stalk के अंदर place किया जाता है in such a way that it forms the As you can see in the shape of tongue, it is known as the tongue grafting, and in the shape of a wedge, it is known as the wedge grafting. Then what is the crown grafting? Crown grafting में क्या होता है कि हमारा stalk है जो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है and इसमें बहुत सारे scions आ सकते हैं, then we can put a number of scions in that, it is known as the crown grafting. Crown बन जाता है basically बहुत सारे scions का. माइक्रो प्रोपगेशन, हमने वेजिटेटिवली प्रोपगेशन पढ़ लिया कि प्लांट्स कैसे करते हैं बाय द विद द हेल्प ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स। देन हमने पढ़ लिया कि आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं हम, ग्राफ्टिंग से, कटिंग से एंड अदर आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपगेशन। दिस इज नोन एज टिश्यू कल्चर बिकॉज वी आर कल्चरिंग द टिश्यू एंड अलाउइंग द टिश्यू टू ग्रो विद द हेल्प ऑफ गिविंग देम सर्टेन न्यूट्रिएंट रिच मीडियम। इफ वी गिव न्यूट्रिएंट रिच मीडियम टू अ टिश्यू देन इट ग्रोज प्रॉपरली एंड उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैथड एंड इज डन इन द लेबोरेटरी। In the vegetative propagation, artificial propagation and micro propagation, we get as the same plant as the parent because we are making the clone. Basically, we are using one parent. So, one parent se koi bhi offspring ban raha hai, it is of course the clone of his or her father without any merging of any characters. This is a micro propagation. As you can see in micro propagation, क्या हो रहा है? ये जो लीव्स हैं हमने उनको न्यूट्रिएंट मीडियम देके उनके टिश्यूज को ग्रो करने की कोशिश की है एंड धीरे धीरे ये माइक्रो प्रोपगेशन ये पूरी कल्चर में, पूरी प्लेट में ये फैल जाएगा। मींस कि ये ग्रो कर रहा है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ मूव करते हुए हम देख सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ऑलवेज। दीज आर द मेल एंड द फीमेल पेरेंट्स। मेल पेरेंट स्पर्म प्रोड्यूस करता है एंड द फीमेल पेरेंट एग प्रोड्यूस करती है इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स। उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। देखो बेसिकली दो सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, द मेल सेक्स एंड द फीमेल सेक्स। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली टू सेक्सेस आर प्रेजेंट, देयर मे और मे नॉट बी द टू पेरेंट्स। सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूसेस द गैमेट्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स रिजल्ट इन टू जायगॉट फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। एज यू नो दैट टू गैमेट्स आर फॉर्म, वन इज द मेल गैमेट एंड अदर इज द फीमेल गैमेट। दीज गैमेट्स फ्यूज टू
form these gametes fertilized to form a zygote, and the zygote is a zygote formation is a necessary step. Why? Because the chromosome number is halved. Chromosome number is halved when we will read the NCRT. We will read about the chromosome number. तब हमें पता चलेगा कि क्रोमोसोम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जब भी गैमेट्स बनते हैं तो मियोसिस की वजह से बनते हैं. मियोसिस में क्या आ जाती है? डिवीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स हो जाती है. द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड, ऑलवेज हाफ हो जाता है जो क्रोमोसोम नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स इट इज 46, 46 से 23 हो जाता है हमेशा. तो उन गैमेट्स का फ्यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट जो जायगोट है उसमें प्लॉइडी लेवल मेंटेन हो. अगर प्लॉइडी लेवल नहीं मेंटेन होगा तो डेथ हो जाएगी. थस दिस इज अ वेरी नेसेसरी स्टेप. नाउ एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, दिस जायगोट डिवाइड इनटू होल एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, एंड उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस. थस embryogenesis is the process of formation of the embryo from the single celled zygote with the help of mitosis. Okay, see, as you can see here in this image, this is the ovule and these are the sperms. The sperms hai, these are trying to fertilize the ovule. This is known as fertilization. And in the next diagram, you can see that this is an embryo which is growing from 1 month to 9 months. Embryo development is taking place. Now, plants ke bare mein baat karte hain. Humne sexual jo reproduction ke teen steps hai, wo padh chuke hain hum. फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड इज द फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड इज एम्ब्रियोजेनेसिस. नाउ अप टू द सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लेट अस रीड. इन द केस ऑफ फ्लावर, इफ द फ्लावर हैज बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, इट इज नोन एज द बायसेक्सुअल फ्लावर. एग्जाम्पल चाइना रोज. प्लांट्स में मेल पार्ट भी है एंड फीमेल पार्ट भी है. इस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर. चाइना रोज इज द एग्जांपल ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर. इफ द प्लांट हैज ओनली मेल पार्ट, इट इज नोन एज द स्टेमिनेट फ्लावर. मींस इफ द प्लांट इज नॉट हैविंग एनी फीमेल पार्ट, देन इट इज नोन एज द स्टेमिनेट फ्लावर. एंड इफ द फीमेल, देखो जिसका मेल फ्लावर है उसका फीमेल फ्लावर तो होगा ही होगा. विदाउट मेल एंड फीमेल तो कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता कुछ, ठीक है? इसलिए स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट. अब स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट की बात कर ली. अगर एक प्लांट है, ट्री है, वो ग्रो कर रहा है, ट्री के ऊपर मेल फ्लावर्स भी ग्रो कर रहे हैं एंड फीमेल फ्लावर्स भी ग्रो कर रहे हैं, देन दैट काइंड ऑफ प्लांट इज नोन एज मोनोइशियस प्लांट. मोनोइशियस प्लांट में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं. एंड इफ द फ्लावर सेपरेट प्लांट्स पे लगे हैं, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, इट इज नोन एज अ डायोशियस प्लांट. फॉर एग्जाम्पल पपाया. पपाया में क्या होता है? पपाया में एक फीमेल प्लांट होता है, एक मेल प्लांट होता है, ठीक है? फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर्स लगते हैं और मेल प्लांट पे मेल फ्लावर्स लगते हैं. बट इन द केस ऑफ मोनोइशियस प्लांट, एक ही ट्री पे दोनों टाइप के फ्लावर्स ग्रो करते हैं. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोइशियस प्लांट. यू कैन सी वॉलनट, ऑयल पाम, कुक्यूम्बर, मेज, रिसिनस, हेजलनट, फिग एंड मेलोन. ओके, इसमें ये क्या है? मोनोइशियस है,
flowers are produced unisexual, but both male and female flowers are grown on the same plant. This is the image of the China rose. It is so beautiful. इसमें male and female दोनों parts present हैं. As you can see, these red spots. 1, 2, 3, 4, 5. This is the pistil, and ये जो नीचे है yellow, yellow parts. This is the male part known as the anther. ठीक है, चाइना रोज की एग्जाम्पल है ये. चाइना रोज इज अ इसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस एंड इट इज अ बायसेक्सुअल फ्लावर. एनिमल्स कैन बी यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल, सेम एज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बायसेक्सुअल फ्लावर. बायसेक्सुअल का नाम हर्मेफ्रोडाइट एनिमल होता है, मोनोइशियस नहीं बोलते हैं उसको. यूनिसेक्सुअल एनिमल्स को यूनिसेक्सुअल बोल देते हैं, इन सम केसेस डायोशियस बोल देते हैं. ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस बाय हैविंग टू पार्टनर्स, ऑर्थोम, और बाय सेल्फ रिप्रोडक्शन टेनिया सोलम. देखो, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल वो एनिमल होता है उसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, दोनों पार्ट प्रेजेंट है, बट फिर भी वो सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या वो अपना एक पार्टनर ढूंढ सकते हैं. अब कोई एनिमल जिसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है तो वो पार्टनर क्यों ढूंढेगा? क्योंकि अगर दोनों सेक्सेस उसके अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं. अर्थवर्म के केस में क्या होता है कि उसके फीमेल पार्ट है जो पहले मैच्योर होते हैं और मेल पार्ट लेट मैच्योर होते हैं. इसीलिए एक अर्थवर्म जब फर्स्ट टाइम पॉपुलेट करेगा तो वो एग्स, मतलब कि उसमें स्पर्म डिपॉजिट किए जाएंगे, उसके बाद वो एग्स ले करेगा, उसके बाद एग्स ले बेसिकली कुकून बनाएगा, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम वो पॉपुलेट करेगा तो वो एग को फर्टिलाइज करेगा. फर्स्ट टाइम में द अर्थवर्म स्पर्म्स डिपॉजिट करवाएगा, नेक्स्ट टाइम वो स्पर्म्स डिपॉजिट करेगा. ठीक है, इसका ये मतलब है, क्योंकि जो फीमेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाता है एंड मेल पार्ट लेट मैच्योर होता है, इसलिए अर्थवर्म को क्रॉस रिप्रोडक्शन करनी पड़ती है इंस्टेड ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन. बट सेल्फ रिप्रोडक्शन भी हो जाती है अगर दोनों ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल द टीनिया सोलियम. टीनिया सोलियम क्या होते हैं? टेपवर्म. टेपवर्म दैट कॉजेज इन्फेक्शन इन अवर इंटेस्टाइन, वो होते हैं टीनिया सोलियम. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी इट इज अ डॉग, ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी इट इज टीनिया सोलियम. टीनिया सोलियम के दो सेगमेंट्स दिखाए गए हैं यहाँ पे. द फर्स्ट सेगमेंट इज द ओवरी, जिसमें ओवरी प्रेजेंट है. ठीक है, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसके बाद वाला जो सेगमेंट है दैट इज ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले क्या करते हैं? सेल्फ रिप्रोड्यूस कर लेते हैं. ठीक है, सेल्फ रिप्रोड्यूस करके ये खुद ही अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा देते हैं. बट इन द केस ऑफ डॉग्स एंड हायर एनिमल्स यू कैन सी दैट देयर आर ऑलवेज बायसेक्सुअल एनिमल, यूनिसेक्सुअल एनिमल सॉरी. मतलब मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं, दे आर नॉट हर्माफ्रोडाइट. मोनोकार्पिक प्लांट्स. सम ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस वंस इन देयर एंटायर लाइफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल बनाना. बनाना 50 से 100 साल तक की जिंदगी जीता है. ठीक है, और अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करता है. फ्लावरिंग करता है, फ्रूटिंग करता है, और उसके बाद क्या करता है? मर जाता है. ऑन द अदर हैंड हमें पता है बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली वो हर साल फ्रूटिंग करते हैं, हर साल फ्लावरिंग करते हैं. फ्लावरिंग के बाद जो आता है सीजन दैट इज ऑफ फ्रूटिंग, एंड फ्रूटिंग के बाद हम फ्रूट्स लेते हैं, सीड सो करते हैं, एंड अगेन से वो ट्री हमारा जो है वो उग जाता है. ठीक है, सेम इज द केस ऑफ
स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना को नीलकंज भी बोलते हैं बिकॉज इट इज हैविंग वेरी ब्यूटिफुल पर्पल पिंकिश ब्लू फ्लावर्स। ये है तो एक पेरिनियल मतलब कि पॉलीकार्पिक प्लांट है, मोनोकार्पिक प्लांट नहीं है। ये अपनी जिंदगी में बहुत बार फ्लावरिंग करता है, बट जब भी फ्लावरिंग करता है तो 12 साल के बाद करता है। 12 साल तक कोई फ्लावरिंग नहीं और 12वें साल इतनी ज्यादा फ्लावरिंग कि पूरा जहां पे ये प्रेजेंट होते हैं ना स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, हर जगह पे इनके फ्लावर्स ही फ्लावर्स हो जाते हैं। एंड इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा बड़ी अट्रैक्शन का एक पॉइंट बन जाते हैं फॉर द टूरिस्ट, क्योंकि जहां पे फ्लावर्स है वहां पे सुंदरता है, सुंदरता के पीछे दुनिया भागती है, इसलिए टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सी, जब नीलकंज ने फ्लावरिंग की थी ऐसा दिखता था कुछ माहौल, सी इट इज सो ब्यूटिफुल, इतनी ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फ्लावरिंग, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फ्लावरिंग क्यों हुई, हर जगह पे आपको इसके फ्लावर्स दिखेंगे, क्योंकि देखो 12 साल तक उसने कुछ भी नहीं, कोई भी फ्लावर नहीं प्रोड्यूस किया, तो एकदम से वो जब फ्लावरिंग करेगा इतनी ज्यादा करेगा, इतनी ज्यादा फ्लावरिंग करेगा कि अपनी 12 साल की सारी कमी मिटा देगा। 12 साल तक कोई फ्लावरिंग नहीं, बट 12 साल बाद एनॉर्मस फ्लावरिंग होती है, और उन 12वें साल में यहाँ पे ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन का सोर्स हो जाता। अब हमने पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, एंड एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। उसके बाद बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स की सेक्सुअलिटी के बारे में भी पढ़ लिया, बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में पढ़ लिया, हर्माफ्रोडाइट एंड यूनिसेक्सुअल एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस के बारे में। इन द केस ऑफ हायर एनिमल्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन एंड development of the male gamete is known as spermatogenesis. The formation of female gamete is known as oogenesis. In the case of higher animal, क्योंकि higher animals में sperms होते हैं जो male gametes होते हैं, lower animal में different हो सकते हैं but almost same होता है, and ova बोलते हैं female gamete को, इसलिए फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन को ओजेनेसिस बोलते हैं। इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स द मेल गैमेट इज फॉर्मड इन द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बनता है, एंड मेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इन द केस ऑफ एनिमल्स उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है, इन द केस ऑफ प्लांट्स इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। बेसिकली माइक्रो वर्ड इज यूज्ड फॉर मेल, मेल गैमेट के डेवलपमेंट के लिए माइक्रो वर्ड यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि मेल का जो गैमेट होता है बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द फीमेल गैमेट, इसलिए माइक्रो, माइक्रो का ऑपोजिट क्या होता है मैक्रो, बट मैक्रो फिजिक्स में यूज किया जाता है, बायो में उसको मेगा बोलते हैं, मेगा। एंड फीमेल गैमेट इज फॉर्मड इन द ओव्यूल, ओव्यूल में फीमेल गैमेट बनती है, उसके बनने के प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस या मेगा गैमेटोजेनेसिस। मतलब जहां पे माइक्रो वर्ड आ गया वहां पे मेल की बात हो रही है, जहां पे मेगा वर्ड आ गया वहां पे फीमेल की बात हो रही है। अब स्पोरोजेनेसिस,
एंड गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब? देखो गैमेट्स तो होते हैं गैमेट्स, बट लोअर प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो उनसे उनमें जो रिप्रोडक्शन शुरू हुई थी स्पोर्स के फॉर्म में शुरू हुई थी, इसलिए ऐसे ही अभी तक उसको स्पोरोजेनेसिस ही बोला जाता है। स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट्स बनना, क्योंकि माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर किसको बोलते हैं? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को रिस्पेक्टिवली। Now, up to our next topic, that is of gamete transfer. In bryophytes, the gamete transfer occurs by motile male gamete. मेल गैमीट मोटाइल मतलब मेल गैमीट चल सकता है, मेल गैमीट मूव करके स्विम करके चल के फीमेल गैमीट के पास पहुंच जाता है। ब्रायोफाइट्स लोअर प्लांट्स होते हैं थोड़े से, और ये एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स होते हैं, ये पानी के अंदर रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। पानी के अंदर क्या होता है, जो मेल गैमीट होता है फीमेल गैमीट के पास तैर के चला जाता है। हायर प्लांट्स में कैसे गैमेट ट्रांसफर होता है? इन हायर प्लांट्स वही गैमेट ट्रांसफर है जो दैट अकर्स थ्रू पॉलिनेशन। वैसा ही प्रोसेस लोअर प्लांट्स को रिजेंबल करने वाला ही प्रोसेस है, इसका नाम बदल गया बस, पॉलिनेशन कर दिया। पॉलन ग्रेन्स में हमने पढ़ा था कि मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, तो पॉलिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि मेल जो पॉलन ग्रेन्स है ना, जिसके अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स उड़ के कैसे, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के पैरों पे लग के या ह्यूमन बीइंग के हाथों पे लग के या किसी और मेथड से वो फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं या फीमेल पार्ट तक पहुंच जाते हैं, कैसे भी तरीके से, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तरीका वही है कि मेल गैमेट जा रहा है, मेल गैमेट जा कैसे रहा है, थ्रू द हेल्प ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ट्रांसफर की हेल्प। इन हायर एनिमल्स द मेल गैमेट्स आर डिपॉजिटेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। हायर एनिमल्स में क्या होता है, मेल गैमेट्स होते हैं जो वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जैसे कि ह्यूमन फीमेल है, ह्यूमन फीमेल में स्पर्म्स डिपॉजिट हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। उसके बाद स्पर्म्स भी क्या है, जो मेल गैमेट्स हैं दे आर मोटाइल, स्पर्म्स स्विम करके हमारे ओवा तक पहुंच जाते हैं एंड वो फर्टिलाइजेशन कर देते हैं, फ्यूजन कर देते हैं, जायगोट फॉर्मेशन कर देते हैं। लोअर एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो सकती है विद द हेल्प ऑफ मोटाइल गैमेट्स। ओके, जो लोअर है, लोअर स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, उसमें एग और स्पर्म्स दोनों मोटाइल हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों मोटाइल हो सकते हैं, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली फीमेल इज द नॉन मोटाइल एंड मेल है जो मोटाइल होते हैं, मेल स्विम करके फीमेल को ढूंढ लेते हैं और वहां पे जाके वो फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसका मतलब है कि पानी में करें, बाहर बॉडी के बाहर, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करें। कई बार क्या होती है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है, फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर हुई, जैसे बर्ड्स में, बर्ड्स ने पॉपुलेट किया, बर्ड्स की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई, बट उन्होंने बाद में उस एम्ब्रियो को बाहर निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ एग, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। This is the diagram of pollination. इस डायग्राम से आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा that what pollination is and pollination किसमें help करती है? Pollination help करती है transfer of male gametes to the female parts of the plant.
दिस, दिस इज ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट की बॉडी से मेल गैमेट बाहर निकला, बाहर निकल के उसने स्विमिंग की, स्विमिंग करने के बाद वो पहुंच गया टू द फीमेल गैमेट, उसको फर्टिलाइज कर दिया। फर्टिलाइज करने के बाद उसका लाइफ साइकिल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दिस इज द लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन और सिंगामी। जैसे कि मैंने बताया था आपको, फर्टिलाइजेशन में भी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कैन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, मतलब कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होनी है। दिस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एक जो जायगोट है हमारा, जायगोट बहुत सारी माइटोटिक डिविजन्स करने के बाद इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। जैसे कि आपको पता है कि बर्ड्स एग ले कर देती हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स, कैट्स, डॉग्स, काउस, वो यंग वन को ही जन्म देती है। तो ओविपेरस एनिमल्स वो वाले होते हैं जो गिव बर्थ टू, गिव सॉरी लेज एग, जो एग लेस करते हैं, दे आर ओवी, ओवी मतलब एग, ठीक है, ओवी मतलब ओवा एग। क्लेडोइक एग्स आर दोज दैट हेल्प the organism to grow up to the embryo stage. अब देखो, viviparous organism वो है जो birth देते हैं baby को, ठीक है, for example cats and dogs. oviparous animals वो है जो egg lay करते हैं, for example birds. अब देखो birds में क्या है, birds में इतना yolk content होता है कि baby bird के जन्म ना होने तक वो एग ही उसको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, इसीलिए लोग एग्स भी खाते हैं, क्योंकि एग्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। उस टाइप के एग्स को क्लेडोइक एग बोला जाता है। देखो अब आप देख सकते हैं ये स्नेक्स की एग्स है, स्नेक्स की एग भी क्या है, क्लेडोइक एग है। On this hand there is a kangaroo. Kangaroo क्या है? Viviparous animal है, वो जन्म देता है अपने बच्चे को। Here snake की eggs के नीचे है frog की eggs. Frog में से larva निकलता है, मतलब कि frog की eggs है, वो cladoic नहीं है। Cladoic का मतलब कि उसमें इतना yolk नहीं है कि वो adult frog के बनने तक उसको nutrition दे सके, वो सिर्फ larva के बनने तक का nutrition दे सकता है उसको। Larva फिर खुद अपने आप बड़ा हो जाता है बाद में। And there are birds eggs. Birds ke eggs bhi cladoic hai, snakes ke eggs bhi cladoic hai. Okay students, to aaj ke liye itna hi, aur isi ke saath hamara aaj ye chapter khatam ho gaya. Kal se hum NCERT reading shuru karne wale hain. Thank you.